जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा बहुत अच्छी जानकारियों के साथ, नई जानकारियों के साथ वीडियो उपलब्ध होते रहें। साथ ही साथ आप फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर रोमचो सर्च करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप वहाँ भी हमसे जुड़ें, ताकि आपको हमेशा नई जानकारी और सही जानकारी उस माध्यम से भी मिलती रहे। इस वीडियो का शीर्षक थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा कि अकेले में देखो। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात ही कुछ ऐसी है कि जो आपको एकांत में, अकेले में इन बातों को ऑब्जर्व करना चाहिए, इन बातों को जानना चाहिए कि कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में कहीं तकलीफ़ तो नहीं देने जा रही है। कई सारी क्वेरीज होती है, कई सारे प्रश्न होते हैं, व्यापार हो, वैवाहिक जीवन हो, कई हर आप जीवन के किसी भी एंगल पर हम बात करें तो परेशानियाँ कई हैं। आर्थिक रूप से जूझने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में, या यूँ कहें कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है। तो आप भी अगर आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, पारिवारिक रूप से जूझ रहे हैं, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कई सारी परेशानियाँ हमारे जीवन में चलती है। तो कुछ मेन बेसिक बातें हैं जो आपको अकेले में जानना चाहिए, जिन बातों को मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहने के साथ साथ आपको हमेशा समझाता भी हूँ। पहली बात है दोस्तों, होता यह जीवन में कि जीवन बहुत अच्छा चलता रहता है, लेकिन एकदम से क्राइसिस आ जाता है, एकदम से कोई दुर्घटना हो जाती है जो जीवन को पूरा बदल देती है। उस दुर्घटना में या तो कोई सड़क दुर्घटना की बात करें, या कुछ हमारी आदतों से, या कुछ कम्युनिकेशन की कमी से, ये सभी घटना दुर्घटना कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। और इसी बेस पर सब लोग बोलते थे हमारे पूर्वज कि आप ईमानदार रहें, अच्छे से रहें। उसका मेन मकसद यही था कि आप कभी भी अनिश्चित जो घटनाएं हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उनका आप पर साया ना हो। इसलिए ईमानदारी की बात करते हैं, आप ईमानदार रहें, सही रहें, सरल रहें, इसीलिए वो बात होती है। तो पहली बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जो भी काम करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी काम में ईमानदारी नहीं रहती है, पर जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। मैं ये नैतिकता के अगर आप अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ी बातें हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक नैतिकता है कि गलत तो गलत होता है और उसके परिणाम हमें गलत आने वाले समय में दिखाई देंगे, हमें भुगतना पड़ेंगे, ये काम से रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात है आपके संबंध। कई सारे परिवारों को मैंने उजड़ते हुए देखा है, आपके अवैध और गलत संबंध, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इन संबंधों के जरिए आप अच्छा खासा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा खासा जीवन जो चल रहा था, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इन चीज़ों को भी आप शांतिपूर्वक निपटाएं और आराम से इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं। तीसरी बात है, कई बार ये होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं या वो हमसे प्यार करते हैं, पारिवारिक रुकावटें होती हैं। देखिए, जीवन में एक बात आप जान लें कि परिवार से बड़ी प्राथमिकता कोई है नहीं, परिवार पहली और आखिरी प्राथमिकता है, उनसे बाहर हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद भी इश्क एक अलग ही नशा है, एक अलग ही नशा नहीं कहना चाहिए, अलग ही माध्यम है या अलग ही उसका खुमार है। तो कभी भी इश्क में अपने मस्तिष्क का, विचार का, दिमाग का, हर चीज़ का सोच समझकर आप उपयोग करें, न कि भावनाओं में बहकर, न कि प्यार में बहकर कोई गलत कदम आप उठाएं। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये किसी प्यार मोहब्बत पर राजी नहीं होता, लागू नहीं होता, ये आप हर जगह इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं कि आप भावुक होकर कोई फैसला तो नहीं ले रहे हैं। आप किसी के प्रति आपकी सिंपैथी हो और आपको सही बात नहीं मालूम है, लेकिन आपकी उससे सिंपैथी है और उस सिलसिले में हम कोई गलत फैसला ले लेते हैं, तो ये भी चीज़ें कई बार हमारे साथ घटित हो जाती है। चौथी बात कहना चाहूँगा, धन का संचय। हम धन बिल्कुल संचय नहीं करते हैं, ये आदत हमें सुधारनी होगी और ये आदत को सही करना भी होगा। मैं हर व्यक्ति को यही बात कहता हूँ, धन का संचय इसलिए ज़रूरी दोस्तों कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो थोड़ा पैसा बचाएं, सुरक्षित रखें, वो आने वाले खराब समय में धन आपका बहुत बड़ा सपोर्टर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन सब कुछ होता है, लेकिन कुछ जरूर होता है, तरल है वो, और ये आदत आप अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा है। पांचवी बात जो है, नशा व्यसन जीवन के लिए बहुत बेकार है, आप व्यसन से जितना दूर रहेंगे दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मूल पाँच बातें थी जो मैंने आपको अकेले में देखने के लिए, इन पर आप विचार जरूर करें कि जो मैंने बातें कही क्या सही हैं, और अपना विचार करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। मुझे नहीं पता मेरा वीडियो आपको कैसा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।